हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज के टाइम में सबसे बड़ी मुसीबत बढ़ा हुआ वजन और सबसे बड़ा काम इस बढ़े हुए वजन को कम करना। यानी कि ये बढ़ा हुआ वजन इतना तंग करता है कि लोग परेशान हैं। मेरे पास वजन कैसे घटाएं, वजन कैसे घटाएं, बहुत बहुत कमेंट्स आते हैं। देखिए, वजन घटाना कोई जादू का खेल नहीं है। बढ़ तो ये धीरे धीरे गया, आपको पता भी नहीं चला बढ़ गया, बेली फैट भी बढ़ गया, लेकिन जब उसको कम करने की बात आती है तो नाकों चने चबाने पड़ते हैं। इतनी जल्दी से वो कम नहीं होता है। कोई ऐसी गिली गिली छू करके दवाई नहीं दे सकते हैं कि वजन कम हो जाएगा। आप जो कुछ खाते हैं, आपके वजन के बढ़ने में 70% आपकी डाइट का हाथ होता है और 30% आपकी एक्सरसाइज का हाथ होता है। यानी कि आपने सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना है अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन ना बढ़े, और साथ में एक्सरसाइज भी करते रहना है ताकि वजन कंट्रोल में रहे, मैनेज होके रहे और आपकी एनर्जी भी पूरी बनी रहे। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जूस जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। एंटीऑक्सीडेंट जूस है ये, और इसके साथ साथ ये जूस ऐसा है कि आपकी बॉडी में अगर कोई कहीं कोई प्रॉब्लम भी है ना तो उसको भी फिक्स करने में मदद करेगा। लेकिन बनाना उसी तरीके से पड़ेगा जैसे मैंने बताया, क्योंकि वीडियो देखते ही लोग पूछते हैं इसमें ये ऐड कर लें क्या, इसमें ये ऐड कर लें क्या। देखिए, दवाई जो होती है ना वो दवाई की तरह ही पी जाती है। उसमें कुछ ऐड करेंगे तो उसका असर कुछ दूसरा हो जाएगा। आप कर सकते हैं, करने को कोई मना ही नहीं, लेकिन वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। तो अगर आपने सही तरीके से फायदे उठाने हैं तो उसी तरीके से यूज करें जैसे मैं बताती हूं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक जूस जो आपको कह सकते हैं एक रसायन है, जो आपको बीमारियों से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और टॉक्सिन्स कम होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा और गट हेल्थ अच्छी होगी। ये तो इस जूस का काम है। दूसरा, मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक स्मूदी जो आप अगर ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो वो इतनी अच्छी स्मूदी है कि आपको भरपूर मात्रा में सारी चीजें मिलेंगी। उससे फैट, गुड फैट भी मिलेगा, उससे प्रोटीन भी मिलेगा, उससे आपको कार्ब्स भी मिलेंगे और सही लिमिट में, सही मात्रा में मिलेंगे, जो आपको आपका वजन नहीं बढ़ने देंगे क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होंगी। और सुबह एक बार पी ली तो आपको 1-2 बजे तक भूख नहीं लगेगी, तो आप एक्सेस कैलोरीज और एम्प्टी कैलोरीज नहीं खाएंगे। तो चलिए बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं वो और कैसे बनानी है। जब आप स्मूदी बनाएंगे तो आप उसको, आपने कितना थिक करना है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है, वो आपकी मर्जी पर है कि आप उसको थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। इसी तरीके से जूस है, आप जूस के दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, छान के पिए या बिना छना पिए। अगर बिना छना पिएंगे तो आपको मैक्सिमम फाइबर मिल जाएगा जो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत फायदेमंद है। आप बिना छना नहीं पी सकते हैं तो छान के भी पिए, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। ये जूस बनाने के लिए हमने आंवला और एलोवेरा दो मेन चीजें हैं। अभी गर्मी का सीजन है, एलोवेरा बहुत फायदा करने वाला है और गर्मियों में मिंट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपने लेना है 2 आंवले। अगर आपके पास आंवला पाउडर है वो ले सकते हैं, क्योंकि आजकल अगर ग्रीन आंवला नहीं आपको मिलता है फ्रेश तो आप पाउडर ले सकते हैं। और आपने 1 कप एलोवेरा जेल लेना है, ये फ्रेश लेना है, ये आपको मार्केट वाला जेल नहीं लेना, फ्रेश लेना है। 1 छोटा सा टुकड़ा आपने अदरक का लेना है, अदरक डाइजेशन के लिए होती है। और फिर आपने थोड़ा सा उसमें मिंट लेना है, यानी कि पुदीना लेना है। पुदीने से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, पुदीना भी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और पुदीना गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है। ये आपके जो पेट की जो अग्नि है उसको सही रखता है। और टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा इसमें काला नमक ले सकते हैं। 1 गिलास पानी आप इसमें डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जितना ज्यादा ब्लेंड करेंगे उतना ज्यादा जूस निकलेगा। ब्लेंड करने के बाद इसको, जैसा मैंने बताया कि आप बिना छना पी लें या छान के पी लें, वो आपकी मर्जी है। छान के आप जब आप पियेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये आपने पीना है सुबह खाली पेट, यानी कि आपका ये एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग पहली ड्रिंक आपकी ये होगी, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स इसके लेने हैं। इसके अंदर आंवला है जो कि एक रसायन होता है। आंवला आपकी बॉडी की एक एक चीज को सही करने की ताकत रखता है। आंवला एक बहुत ही अच्छी चीज है आपके लिए, और इम्यूनिटी तो खैर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, डिटॉक्स भी करेगा और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फायदे भी देगा। अब बात आती है स्मूदी की। स्मूदी की कंसिस्टेंसी आप कोई भी रख सकते हैं, यानी कि आप पतली चाहें या तो ज्यादा गाढ़ी चाहें, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। स्मूदी के लिए मैंने लिया है बार्ले यानी जौ का दलिया।
जौ का दलिया मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ है, 3 मैंने खजूर लिए हैं और थोड़ा सा पीनट बटर लिया है और 1 गिलास दूध लिया है। ये हाई प्रोटीन आपकी स्मूदी बनने वाली है और क्योंकि ये हाई प्रोटीन है और सारी चीजें हेल्दी, तो ये आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगी। आप इन सब चीजों को ब्लेंड कर लें और ये आपका स्मूदी बन के तैयार हो गई। आप ज्यादा दूध मिलाएंगे कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी, कम दूध मिलाएंगे तो ऐसी रहेगी, और इससे भी ज्यादा आपको थिक करना है तो आप उसमें बार्ले जो है और थोड़ा सा ज्यादा डाल दें, और साथ में थोड़े से नट्स और सीड्स उसके ऊपर आप डाल देंगे, तो बस फिर तो आपकी स्मूदी इतनी हेल्दी हो जाएगी कि आपको ओमेगा 3 भी साथ में ही मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी स्मूदी बना सकते हैं, कितनी थिक चाहिए उतनी बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीगन है, जो दूध नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, या फिर आप पानी में भी बना सकते हैं। बाकी चीजें तो सारी हेल्दी है ही है, बाकी इसका पूरा प्रोटीन आपको प्लांट प्रोटीन मिल रहा है। तो आप इस तरीके से जूस पी के अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखें, इस तरीके से स्मूदी लेके अपनी बॉडी को कम कैलोरी दें ताकि उसका वजन नहीं बढ़े और आपको बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ये हेल्दी वे में आपके वजन को मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने का बहुत तरीका है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि वजन कम करने के चक्कर में जब खाना छोड़ते हैं तो मुंह पिचका हुआ सा हो जाता है और एनर्जी लूज हो जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल लूज नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपका टेस्ट भी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो अगर आपको ये हेल्दी तरीका पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाते हुए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखते हुए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए, गट हेल्थ को अच्छा रखते हुए आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।